हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली ईआरपी 9 सीखने के सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो टैली ईआरपी 9 और टैली प्राइम का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, आइए देखते हैं कि आज का सवाल क्या है। एक हमारे व्यूअर हैं जिन्होंने ये सवाल पूछा है कि सर, कोई भी एंट्री पास करते हैं और जब उसे प्रिंट करते हैं तो वो पीडीएफ में नहीं आ रहा है। तो देखिए, टैली जब आप डाउनलोड करेंगे, अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे, तो पीडीएफ तो आएगा। ठीक है, अब ये कैसे आएगा देखिए। जैसे आप मान लीजिए कि परचेज में या सेल्स में कहीं भी एंट्री पास कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अभी ये नई कंपनी है तो मैंने परचेज में ही एंट्री पास कर लेता हूं। तो यहां पे सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाला, यहां पर वो डेट आएगी जिस डेट पर परचेजिंग होगी। अगर आप डेट चेंज करना चाहते हैं तो आपको मालूम ही है, F2 प्रेस करते हैं, यहां से डेट चेंज कर लेते हैं। जैसे 1 मई करना है, 2 जून करना है, कुछ भी ऐसा करना है तो यहां से आप कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए डेट चेंज हो गया। ठीक है, अब एक सवाल ये भी रहता है कि यहां पर डेट तो सेम दिखाई दे रहा है, तो आप चेंज कर लीजिए यहां पर भी। वैसे डेट चेंज आपका हो चुका है, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी डेट 1 मई की ही आएगी। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे एक क्रेडिटर पार्टी का लेजर लगा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख लिया दीपक स्टोर, ये एक क्रेडिटर पार्टी है हमारी। तो एंटर किया, एंटर किया। अब इसका ग्रुप क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप होगा। यहाँ से सन्ड्री क्रेडिटर चूज करके एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। ये एक्सेप्ट करा लिया, एंटर करिए, इसे भी एक्सेप्ट कराइए। और यहाँ कंट्रोल अल्ट सी कीजिएगा। अल्ट सी करने के बाद यहाँ पे एक लेजर लगाएंगे परचेज का, क्योंकि परचेज वाउचर में एंट्री पास हो रही है तो यहाँ परचेज का ही लेजर लगेगा। पी प्रेस करेंगे, परचेज अकाउंट आ जाएगा, एंटर करके इसे भी एक्सेप्ट। ठीक है, अब यहाँ पर बारी आती है स्टॉक आइटम को बनाने की। ठीक है, तो स्टॉक आइटम को बना लेते हैं। तो अल्ट सी करके आप स्टॉक आइटम बना सकते हैं, मैंने पहले भी बताया है। ठीक है, तो अब स्टॉक आइटम में क्या बनाएंगे हम, तो स्टॉक आइटम में मैं बना लेता हूं चेयर्स। ठीक है, तो चेयर बना लिया हमने। और चेयर जब आएगा यहाँ पे, तो यहाँ देखिए, कल मैंने वही बात बताई थी आपको कि यहाँ पे यूक्यूसी कोड नहीं दिखता है, तो उसके लिए क्या उपाय है, कैसे हम यूक्यूसी कोड लेके आ सकते हैं। ठीक है, चाहे आप फीचर पे जाइए, कॉन्फिगर पे जाइए, कैसे भी करके यूक्यूसी कोड आपका नहीं आएगा। ठीक है, जब ना शुरू करे तो क्या करना है बताता हूँ, अभी फिर से वापिस से बता देता हूँ। लेकिन पहले देखते हैं यूनिट। तो अल्ट सी करके यूनिट बनाएंगे, और यूनिट बनाते समय हम इसका यूनिट क्या देंगे, इसका यूनिट देंगे एनओएस। देखिए सिंबल पूछ रहा है, ये फॉर्मल नेम यहाँ पे है, तो फॉर्मल नेम में नंबर्स दे देंगे और सिंबल में एनओएस दे देंगे। और बाकी कुर्सी तो 1.5, 3, 4 थोड़ी ना कोई खरीदता है या बेचता है, वो तो खरीदेगा तो 1, 2, 5, 10 ऐसे खरीदेगा या बेचेगा। तो ये कर दिया हमने, एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लिया। लेकिन समस्या वही है कि यहाँ पर यूक्यूसी कोड नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यूक्यूसी कोड नहीं आएगा तो यूक्यूसी कोड कैसे लाएंगे, तो कल मैंने बताया था आपको कि कैसे लाना है। चलिए दूसरा स्टॉक आइटम ले लेते हैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्टूल, STOOL, स्टूल। और यहाँ पे एंटर किया, एंटर किया। और यहाँ पे एनओएस करेंगे, एंटर करेंगे, इसे एक्सेप्ट कराएंगे। और यहाँ पे 10 चेयर की बात हो रही है, स्टूल की बात हो रही है। और स्टूल यहाँ 10 लेकर के यहाँ पे इसकी प्राइस डाल देंगे, जैसे मान लीजिए 200 रुपये का है एक स्टूल। ठीक है, हमने और एंटर किया। अब इसको एक्सेप्ट कराने की बारी है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं हैव बीन परचेज्ड, और यहां पे परचेज्ड ऑन क्रेडिट भी लिखता हूं, ऑन क्रेडिट। ठीक है, क्योंकि उधार की परचेजिंग है, और एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराएंगे। अब इसका जो है, हम यहां से देखेंगे कि इसका बिल कैसे निकलेगा। तो देखिए हमारे में क्या होगा, यहां पर अल्ट पी करेंगे और यहाँ पे एंटर करेंगे। तो देखिए मेरे में तो ये सीधा पीडीएफ में खुल रहा है, लेकिन शायद आपके में ऐसा ना हो रहा हो कि पीडीएफ में ना खुल रहा हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे ही आप अल्ट पी करेंगे ना, और यहाँ पर आपने चेंजेस कर रखे होंगे, जैसे यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए शायद आपके में जेपीजी हो गया होगा, एंटर करिएगा नीचे। तो यहाँ पर अलग अलग फॉर्मेट्स जैसे कि मैंने आपको दिखाया नजर आ रहे होंगे, तो आपको क्या करना है, पीडीएफ चूज कर लेना है और एंटर करिएगा। तो ये पीडीएफ फॉर्मेट में हो जाएगा, और अब जो भी चीजें प्रिंट होंगी वो पीडीएफ में होंगी। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रिंट होकर जो आएगा वो पीडीएफ फॉर्मेट में ही आएगा। देखिए ये पीडीएफ फॉर्मेट में प्रिंट हो रहा है। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है पीडीएफ फॉर्मेट में। ठीक है, मैं एक बार फिर आपको दिखाता हूँ कैसे करना। जैसे मान लीजिए ये एंट्री है आपकी, ठीक है, अल्ट पी करेंगे तो इस तरीके का एक आएगा डायलॉग बॉक्स। अब इसमें आप एक्सपोर्ट पे जाइएगा, एक्सपोर्ट। ठीक है, और एक्सपोर्ट पे जाने के बाद एंटर करिएगा। और यहाँ पर जो है ये देखिए, ये जो पीडीएफ दिख रहा है, अगर आप जेपीजी कर देंगे तो ये जेपीजी फॉर्मेट में आने लगेगा, एक्सेल कर देंगे तो ये एक्सेल फॉर्मेट में आ जाएगा। लेकिन आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको पीडीएफ फॉर्मेट बना के रखना है। ठीक है, विथ कलर पूछ रहा है, तो कलरफुल चाहिए, कैसा चाहिए, तो यहाँ पे ऐसे करेंगे ना तो ये कलरफुल में भी आएगा। तो देखिए ये एक्सपोर्ट हो गया, अब ये कलरफुल दिखाएगा, तो फॉर्मेट कैसा हो गया, कलरफुल हो गया। तो अगर आप कलरफुल निकालना चाहें तो कलरफुल निकालिए, आपकी जैसी इच्छा। ठीक है,
पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो यहाँ पीडीएफ रख लीजिए, और पीडीएफ फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ पर नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे आइए, और इस तरीके से आप इसे एक्सपोर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। आप देखिए फिर ये आ गया, तो मैंने आपको दो दो बार दिखाया कि ये किस तरीके से आपको करना है। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ पूरी बात समझ में आई होगी। अब सवाल ये है कि अगर आप एक्टिवेट करना चाहते हैं वो ऑप्शन, तो आप सबसे पहले जीएसटी इनेबल कीजिए। तो F11 प्रेस कीजिए और यहाँ से स्टेटटरी एंड टैक्सेशन पे जाइए और यहाँ से जीएसटी को पहले इनेबल कर लीजिए। तो यहाँ से यस किया जीएसटी को, यहाँ से यस करेंगे और ये आएगा इस तरीके से। यहाँ पे जीएसटी आई एन वगैरह फिल कर लीजिएगा, जो भी आपका जीएसटी आई एन है, ठीक है, एंटर करिएगा और यहाँ पर आकर के जीएसटी की डिटेल को अल्टर भी कर लीजिएगा। यहाँ पर टैक्सेबल आपको रखना है और यहाँ पे मैं 10% बाई डिफॉल्ट जीएसटी लगा देता हूँ और एंटर एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराएंगे। कंट्रोल ए कर देंगे तो ये पूरा एक ही साथ एक्सेप्ट हो जाएगा। अब जबकि आप जाएंगे डिस्प्ले पर तो अब आपको नजर आएगा, जैसे ये डिस्प्ले पे गए, डिस्प्ले के बाद नीचे आपको नजर आएगा स्टेटटरी रिपोर्ट, तो आपको ओ प्रेस करना है और फिर जीएसटी में जाना। देखिए जो जीएसटी दिख रहा है वहां पे जाने के लिए जी प्रेस करना है। अब जैसे ही जी प्रेस करेंगे तो नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद आपको दिखेगा मैप यूओएम यूक्यूसी, तो यहाँ पर आ जाइएगा और यहाँ पर जाकर के एंटर करिएगा। तो देखिए यहाँ पे यूक्यूसी कोड आपको नजर आएगा। अब यहाँ से आप नंबर्स कर लीजिएगा, आपको वहां से भी अब नजर आना शुरू हो जाएगा। यानी जबकि आप यहाँ कोई हमको अल्टर करना है तो यहाँ से जाके अल्टर पे जाएंगे और ये जो एनओएस बनाया इसमें देखिए ये नंबर्स हो चुका है, देख सकते हैं ना, यूपीसी कोड नजर आने लगा। तो ये नजर ना आए तो आप ये तरकीब आजमा सकते हैं, ठीक है ना, टैली ईआरपी 9 में। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। अब प्राइम में क्या कंडीशन है, तो प्राइम में तो और आसान है। तो देखिए पहले तो ईआरपी 9 को क्लोज करता हूँ मैं, ये ईआरपी 9 था। अब प्राइम में क्या कहानी है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे टैली प्राइम को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे प्राइम सर्च करता हूँ तो टैली प्राइम आ जाएगा। यहाँ पे टैली प्राइम TALLY टैली प्राइम, तो ये देखिए टैली प्राइम एडिट लॉग वर्जन, ये सबसे लेटेस्ट वर्जन है, ये मेरे पास अवेलेबल है, इसको ओपन कर लेते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, दो बार डी प्रेस करता हूँ, बहुत सारी रिपोर्ट यहाँ पे पहले से बनी हुई है, तो अल्ट पी करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो देखिए एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है एक्सपोर्ट का, ठीक है, ये एक्सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप जाएंगे तो एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद आपको किस में जाना है, देखिए ये फाइल फॉर्मेट यहाँ आएगा, ये देख सकते हैं ये फाइल फॉर्मेट है आपका। तो यहाँ पर F8 प्रेस करके फाइल फॉर्मेट पे जाइएगा, तो ASCII में चाहिए कि एक्सेल में चाहिए, कैसा चाहिए, तो जैसे एक्सेल में चाहिए तो आप एक्सेल में भी इसे कॉन्फिगर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कॉन्फिगर कर दिया मैंने, सॉरी यहाँ से इसको सेंड कर दिया एक्सेल में, तो ये एक्सेल में ओपन होगा। अब जब खुलेगा तो एक्सेल में ओपन होगा, तो बार बार एक्सेल में ओपन ना हो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप चेंज कर दीजिए, अल्ट पी जब करेंगे और एंटर जब करेंगे और यहां से जाएंगे दीजिएगा और यहां पर इसको चेंज कर लीजिएगा पीडीएफ में, एक्सपोर्ट टू पीडीएफ कर दीजिएगा, एंटर करिएगा। तो यहां पर देखिए स्प्रेडशीट आपको दिख रहा होगा। अब ये स्प्रेडशीट में ना जाकर के हमें कहां जाना है, पीडीएफ में जाना है। तो यहां पे फाइल फॉर्मेट में आकर के और यहां से पीडीएफ चूज कीजिएगा, एंटर करिएगा, एंटर करके इसे सेंड कर दीजिएगा, तो ये पीडीएफ में ओपन होगा। तो अभी तक तो एक्सेल में ओपन होता रहा, देखिए ये पीडीएफ में ओपन हो रहा है। तो इस तरीके से आपको करना है तो आप पीडीएफ में ओपन कर पाएंगे, चाहे बात करें टैली ईआरपी 9 की या बात करें टैली प्राइम की, ठीक है, दोनों में आप ये काम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।